हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंडशिप विद मैथ्स। आज हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 31 से करने जा रहे हैं। 31 दिया गया क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवेंथ टर्म दिया गया है कितना, -1 दिया गया है, एंड 16th टर्म दोस्तों कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो कार्य इसमें दोस्तों nth टर्म का फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो nth टर्म फाइंड करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, tn का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। क्या निकालना है दोस्तों, इसमें हम लोगों को tn का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है tn का वैल्यू, जब हम लोगों को गिवन है कि सेवन्थ टर्म कितना दिया गया, -1 दिया गया, और 16th टर्म कितना दिया गया, 17 दिया गया। इसमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को दिया नहीं गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिखेंगे इसमें हम लोग लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया, सेवन टर्म दिया गया, -1 दिया गया है। देखिए यहाँ पे सेवन टर्म कितना दिया गया, -1 दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि T7 इक्वल टू कितना है, -1। यहाँ फॉर्मूला लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो ए प्लस एन, एन कितना है यहाँ पे, देखिए ये नीचे वाला जो रहता है वही एन होता है। तो ये होता है 7 -1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया ए प्लस 7 -1 कितना हो गया, 6। आगे डी है तो डी हो जाएगा इक्वल टू दोस्तों हो गया -1। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन लिखेंगे। दूसरा कंडीशन हम लोगों को दिया गया क्या कि 16th टर्म कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 16th टर्म कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। 16th टर्म कितना दिया गया दोस्तों, 17 दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि T16 इक्वल टू कितना, 17 दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस 16 -1 इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का जब कितना है, 16 है, इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 17 दिया गया है। अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो गया ए प्लस कितना हो दोस्तों, 15, डी इक्वल टू कितना हो गया, 17 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग निकालना क्या दोस्तों है, टी एन निकालना है। टी एन निकालने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए प्लस एन -1 इंटू डी, इसका वैल्यू हम लोग क्या करना है, निकालना है। यहाँ इसके लिए क्या होना चाहिए, ए और डी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करें, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 विकेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या हम लोग को मिलेगा, देखिए दोस्तों। तो पहला इक्वेशन है ए प्लस 60 इक्वल टू कितना है, -1 है। दूसरा इक्वेशन कितना है, ए प्लस 15 डी इक्वल टू कितना है दोस्तों, 17 है। अब देखिए यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट में दोस्तों क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस ए से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 15 गया तो कितना हो गया दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा -90 इक्वल टू -1 -17। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन रहेगा इसका माइनस का। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचा बताइए, तो ये होगा 90 इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 18/9, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके दोस्तों, अब लोग क्या करें, इस डी का वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट
किसी में भी रख सकते हैं, वन में भी रख सकते हैं, टू में भी रख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों बताइए, ए प्लस 6d इक्वल टू कितना, -1 दिया हुआ, ए प्लस 6 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों बताइए, डी का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 क्या है यह है ना, ए प्लस 6d इक्वल टू -1, तो ए प्लस 6 इंटू डी, डी के जगह कितना रख दिए, 2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा ए प्लस 6 इंटू टू कितना हो गया, 12 इक्वल टू कितना हो गया, -1, ये हो गया ए इक्वल टू -1 और ये प्लस 12 को हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो गया दोस्तों, -12 हो जाएगा। इससे क्या हो गया दोस्तों बताइए, ए का वैल्यू कितना आ गया, -1 -12 तो कितना हो गया दोस्तों बताइए, -13 इतना हो गया, ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। इसका लिखेंगे हम लोग नाउ, लिखेंगे नाउ हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, टी एन का, एन का मतलब क्या हो गया, टी एन हो गया, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तब ए ए कितना हो गया दोस्तों, -13 प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना हो गया दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब इससे आगे दोस्तों दोस्तों इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा -13 प्लस ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -13 -2 तो कितना, -15 और ये 2n, ये हो जाएगा 2n -15, तो देयर फोर nth टर्म कितना हो गया दोस्तों बताइए, nth टर्म हो गया हम लोगों को, nth टर्म हो गया कितना, 2n -15, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने चैनल फ्रेंडशिप विद मैथ्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फोर टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द 18th टाइम्स द 18th टर्म, कह रहा देन फाइंड द देन फाइंड इट्स 22nd टर्म, कह रहा कोई ए पी है जिसका फोर टाइम्स फोर्थ टर्म का जो है, मतलब चौथा टर्म का चार गुना जो है इक्वल है किसके, 18 टाइम्स किसके, 18 टर्म के, तो कह रहा बताइए कि 22nd टर्म क्या होगा उसका सो। ठीक है, इसमें हम लेट कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया नहीं हुआ है, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन क्या दिया गया है, फोर टाइम्स द फोर टर्म, मतलब क्या हो गया कि फोर इंटू टी फोर, इसका मतलब ये हो गया फोर टाइम्स द फोर्थ टर्म। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फोर टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, इक्वल टू का साइन दे दिए, 18 टाइम्स द 18 टर्म, मतलब 18 इंटू 18 टर्म मतलब क्या हो गया टी 18, ये हम लोगों को दिया गया है, तो उसका 22nd टर्म निकालना, मतलब एन टी 22 हम लोगों को निकालना है कितना होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4 इंटू कितना, टी 4 का मतलब हो गया ए प्लस 4 -1 इंटू टी इक्वल टू 18 इंटू, ये हो जाएगा ए प्लस 18 -1 और इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये तो इसका मतलब हुआ फोर टाइम्स द फोर टर्म इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म। इसको सॉल्व करेंगे बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस कितना 3d इक्वल टू 18 इंटू ए प्लस कितना हो गया 17d, और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए,
ये हो जाएगा 4 8 या 32, 4 8 या 32 प्लस 4 3 या 12 d इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 a, और ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे ए है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 a हो जाएगा यहाँ पे, कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 4 a, ठीक है। अब 4 3 या 12 d इक्वल टू ये हो जाएगा 18 a प्लस, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 d हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे, देखिए 18 × 70 करेंगे 306 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 4 a, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4 a, 18 a को इधर ले आएंगे, ये a है, 4 a - 18 a इक्वल टू 306 d, आप 12 d को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -12 d। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, तब 4 a - 18 a कितना हो गया बताइए, -14 a इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 हो गया, 4 हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, 10 - 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 294 अपॉन में कितना हो जाएगा, -14, कैंसिल कीजिए तो 14 2 जा 1, तो माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से दोस्तों a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, a का वैल्यू हो गया -21। इसे आगे देखिए दोस्तों, हम लोग निकालना है 22nd टर्म इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग को फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड t22, इसका मतलब कितना हो गया बताइए, a प्लस 22 - 1 इंटू डी, यही इसका मतलब हुआ, t22 का मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक n यहाँ कितना होता है, ये नीचे में जो रहता है वही होता है, इसका n होता है, तो a प्लस 22 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का वैल्यू दोस्तों रख दीजिए कितना बताइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करें तो यहाँ पे d छूट गया, इसको सही कर लीजिएगा, ये d हो गया, और यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे d आएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, -21 d आ गया, ठीक है, यहाँ तो सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d छूट गया है पहला बात, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ d रहेगा, और a का वैल्यू कितना आ गया, -21 d आ गया। अब इसको पुट कीजिए दोस्तों, देखिए a की जगह हम लोग कितना रखेंगे, -21 d प्लस, देखिए 22 में से 1 गया तो कितना हो गया 21, इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21 डी। अब ये यहाँ से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि t22 का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए अपने चैनल फ्रेंडशिप विद मैथ्स को, यहाँ डी छूट गया था दोस्तों, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म देन सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कह रहा है कि किसी भी ए पी का 10 टाइम्स द 10th टर्म, मतलब 10वें टर्म का 10 गुना इक्वल है किसके, 15वें टर्म के किसके, 15 टाइम्स के इक्वल है, तो कह रहा है शो कीजिए इसका 25th टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, हम लोग इसमें शो क्या करना है कि t25 का वैल्यू कितना होगा, 0, ये हम लोगों को शो करना है, क्या कर रहा है कि 25th टर्म कितना, 0 होना चाहिए, ये हम लोगों को शो करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a प्लस 24 d कितना हो गया, 0 के इक्वल आ जाएगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, लिखेंगे तो गिवन में कह रहा है, गिवन में कह रहा है
कि 10 टाइम्स द 10th टर्म, इसका मतलब ये हो गया इज इक्वल टू 25 टाइम्स द 25th टर्म, सॉरी 15 टाइम्स द, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 15 टाइम्स द 15th टर्म, इसका मतलब ये हो गया। तो ये हम लोग को दिया गया 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, ठीक है। सो सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टर्म का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, ए प्लस कितना 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15 इंटू 15 टर्म, 15 टर्म का मतलब क्या हो गया ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ये इसका मतलब हुआ। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया दोस्तों हम लोग कितना 10 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9, ए डी इक्वल टू 15 इंटू ए प्लस कितना बताइए, 15 माइनस 1 हो गया तो कितना 14 डी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आया 10 इंटू ए प्लस 9 डी इक्वल टू 15 इंटू ए प्लस 14 डी आ गया। अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इससे आगे दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चाहेंगे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 10 यहाँ 5 इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, काटिए कैंसिल कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सुविधा हो, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू ए क्या हो गया 2a प्लस 2 9 जा 18d इक्वल टू ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा प्लस 314 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 14 42d हो जाएगा। अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ए वाले को पहले इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3a इक्वल टू 42d प्लस 18d को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -18d। अब देखिए दोस्तों 2a माइनस a कितना हो गया ए इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 8 किया तो हो गया 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया बताइए, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे डी आ गया। तो ए का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 24 डी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को निकालना सो क्या करना है, लिख लेते हैं 200 t25 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, t25 का मतलब कितना हो गया ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब हो गया ए प्लस 24 डी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, हम यहाँ पे आए हैं एल एच एस से आए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ए का वैल्यू उन्होंने निकाले हैं कितना बताइए, एक मिनट देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉरी 2a माइनस 3 कितना हो गया दोस्तों माइनस ए हो गया यहाँ पे, सॉरी 2a माइनस 3 कितना हो गया माइनस ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकला -24d। 2a माइनस 3 कितना हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2a माइनस 3 कितना हो गया माइनस ए इक्वल टू 24d, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो फाइनली कितना हो गया -24d। अब यहाँ पे रखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, ए का वैल्यू कितना है -24d, ठीक है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे -24d, ये हो जाएगा +24d, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट कितना आ गया 0। तो ये हो गया RHS और ये हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2a माइनस 3 क्या था माइनस ए था, ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 33 भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने चैनल फ्रेंडशिप विद मैथ्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस कलर निकालने के लिए हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। इसमें कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमन डिफरेंस निकालिए कब, जब उसका फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, और कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म का सम जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज हाफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग का जो 4 टर्म्स होगा उसका सम जो होगा सो हाफ होगा किसके, इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से डी का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट कर लेंगे कि लेट डी बी द
लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये तो हम लोग को दिया ही हुआ है, ये नहीं लेट करेंगे। अब यहाँ पे गिवन लिखेंगे दोस्तों। गिवन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हम लोग कितना दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, इतना समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, कि द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स। द सम ऑफ फोर टर्म्स का मतलब क्या हो, एपी में जो टर्म हम लोग निकालते हैं कैसे निकालते हैं बताइए दोस्तों। एपी में टर्म निकालते हैं किसे, जैसे पहला ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस टू डी हो गया, फिर ए प्लस थ्री डी हो गया। तो नेक्स्ट फोर टर्म्स का ये हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा, सम ऑफ फोर टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स नेक्स्ट फोर टर्म्स। इसका नेक्स्ट चार टर्म आगे, अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ए प्लस फोर डी। इससे आगे करेंगे तो ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी और ए प्लस सेवन डी। देखिए इसका सम कह रहा है, इसके सम का यहाँ पे क्या हो जाए, ये इसका सम जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसके सम के, ये दिया गया है कि फोर टर्म्स का सम जो होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स नेक्स्ट फोर टर्म। फोर टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नेक्स्ट फोर टर्म क्या होगा, थ्री के बाद क्या होता है, फोर फाइव सिक्स सेवन। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया है सम ऑफ, इसको स्टेटमेंट लिख दीजिए, सम ऑफ फोर टर्म्स, फोर टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म्स, ये दिया गया है, नेक्स्ट फोर टर्म्स ये दिया गया। अब देखिए फोर टर्म्स में क्या आ जाएगा बताइए, अभी बताए हैं कि ए आएगा, फिर प्लस ए प्लस डी आएगा, इसका सम कर रहे हैं साथ में, प्लस ए प्लस टू डी आएगा, फिर ए प्लस क्या आएगा, थ्री डी। ये चार टर्म का सम हो जाएगा इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इससे अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री से, थ्री डी से आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी प्लस ए प्लस फाइव डी प्लस ए प्लस सिक्स डी प्लस ए प्लस सेवन डी, इतना आएगा। यही तो इक्वल होगा कि ये फोर टर्म का सम जो है ये नेक्स्ट फोर टर्म्स के इक्वल के सम के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, देखिए ए ए ए और कितना हो जाएगा बताइए, फोर ए हो जाएगा, प्लस देखिए थ्री डी टू डी, फाइव डी और डी कितना हो जाएगा बताइए, सिक्सटी हो जाएगा, इक्वल टू हाफ। इधर क्या हो जाएगा देखिए, इधर भी ए तो कितना हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा, प्लस सेवन डी और सिक्सटी, थर्टीन डी, थर्टीन डी और फाइव डी कितना हो गया, एटीन डी, एटीन डी और फोर डी कितना हो गया, 22 डी। इतना समझ में आ गया। अब इससे आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर ए प्लस सिक्सटी इक्वल टू, चाहेंगे तो यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू टू कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए प्लस टू यहाँ से हटाया तो टू या फोर, टू ए हो गया, प्लस यहाँ से टू से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11 डी, ये टू से टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना, फोर ए प्लस सिक्सटी इक्वल टू टू ए प्लस 11 डी। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग को वैल्यू रख देना है, ए का वैल्यू कितना रखना है, फाइव दिया गया है यहाँ पे, देखिए ए का वैल्यू कितना है बताइए, फाइव, तीस ए का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा फोर इंटू यहाँ पर फाइव प्लस सिक्स डी इक्वल टू टू इंटू फाइव प्लस 11 डी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया 20 प्लस 6D इक्वल टू 10 प्लस 11D हो जाएगा। अब इस चाहिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ये हो गया 20 प्लस 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू, ये हो गया 11D प्लस 6D इधर आएगा तो हो जाएगा दोस्तों कितना, माइनस 5D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया 20 माइनस 10 हो गया 10 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60 है, कितना दोस्तों 60 उधर आ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 10 अपॉन में 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे D का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 2 हो गया।
इस क्वेश्चन में किसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 2 हो गया, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपना चैनल फ्रेंडशिप विद मैथ्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 30। क्या कह रहा है कि सेकेंड टर्म ऑफ सेवन टर्म का सम कितना दिया गया, 30 दिया गया है। एंड 15th टर्म क्या कह रहा है, 15th टर्म जो है सो वन लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। क्या कह रहा है कि 15th टर्म जो है सो एक वन कम है किससे, ट्वाइस द 8th टर्म का, मतलब 8 टर्म का दोगुने से कितना है, वन कम है। तो कह रहा बताइए कि फाइंड द एपी, उसका एपी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं हुआ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हम लोग गिवन दिया गया है, क्या कह रहा कि सेकेंड टर्म एंड सेवन टर्म का सम कितना दिया गया दोस्तों, 30 दिया गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना, 30। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ एन की जगह कितना 2 है, यहाँ पर कितना 7 है, पुट कर दिया यहाँ पे, ये कितना हो गया ए प्लस टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब इसे आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 6d प्लस डी कितना हो जाएगा, 7d इक्वल टू 30। ये इक्वेशन दोस्तों 1 हो गया। अब अगेन लिखेंगे, अगेन अगेन में क्या कह रहा है बताइए कि 15th टर्म कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि 15th टर्म इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। क्या कह रहा है कि 15th टर्म जो है, देखिए 15th टर्म जो है तो क्या कह रहा है, 8th टर्म के दुगुना से वन कम है, मतलब क्या हो जाएगा, वन लेस देन हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस वन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ किसका, 8th टर्म। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 15th टर्म इज इक्वल टू वन लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो टी 15 का मतलब कितना हो गया, ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो इसका मतलब हुआ कि टी 15 का मतलब कितना हो गया, ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ट्वाइस करा 8 टर्म का, तो 8 टर्म का मतलब ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, ये माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया ए प्लस 14 डी इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 डी माइनस वन हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस 14d इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 7 टू जाए 14d माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू का साइन है तो 14d से 14d यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस वन हो जाएगा। ए को इधर ले तो ये ए माइनस 2a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ए माइनस 2a गया तो कितना हो गया, माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। हम लोग निकालना है, ए पी निकालना है, तो ए पी के लिए ए और डी दोनों पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो लिखेंगे नाउ पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 ही में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना है बताइए, 2a प्लस 7d इक्वल टू कितना है, 30। ये 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस 7d इक्वल टू हो गया 30। अब आगे देखिए दोस्तों
जाएगा 2 + 7d इक्वल टू कितना 30। अब इस 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7d इक्वल टू हो जाएगा 30 - 2। ये 7d इक्वल टू हो जाएगा 30 - 2 कितना होगा 28। तो यहाँ से d का वैल्यू दोस्तों 28 अपॉन में 7 कैंसिल हो जाएगा 4। तो देर पर दोस्तों d का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। और हम लोग निकालना क्या था, AP निकालना है। AP के लिए हम क्या करें जानते हैं। देखिए AP निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले a लिखते हैं, फिर कॉमा में a+d, फिर a+2d, फिर कॉमा में a+3 डॉट डॉट, इस तरह से। अब इसको सॉल्व किए तो देखिए a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, d का वैल्यू कितना है 5, तो ये होगा 1 + 5 हो जाएगा, सॉरी 5 में 4 है, d का वैल्यू कितना है 4 है। देखिए ये 1 + 4 हो जाएगा, फिर ये 1 + 2 * कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, फिर कॉमा ये 1 + 3 * 4 डॉट डॉट, इस तरह से जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, देखिए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1, ये 1 + 4 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 2 * 8 + 1 हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 4 3 * 12 और 1 13, फिर डॉट डॉट आगे। तो यही दोस्तों इसका AP हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर AP, या यही इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने चैनल फ्रेंडशिप विद मैथ्स को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।